भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से हर प्रदेश मुख्यालय पे 22 जगह महंगाई और बेरोजगारी पे कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 4 तारीख को दिल्ली में इन्हीं मुद्दों पे एक विशाल रैली है। हमें पटना में आकर के कांग्रेस पार्टी की जो ये महंगाई और बेरोजगारी पे लड़ाई है उस पे पार्टी के तरफ से आज भेजा गया है। आप लोगों के बीच में आने का हमें अवसर मिला। हम बड़े गौरवान्वित हैं कि पटना की इस ऐतिहासिक भूमि और कांग्रेस कमेटी के सदाकत आश्रम जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है वहाँ आके मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। आप सब लोग बिहार की उस माटी से हैं जिसने व्यवस्थाएं बदली हैं हजारों साल तक, जो क्रांति और आंदोलन की प्रतीक रही है, शिक्षा और चरित्र का सबसे पुराना गढ़ रहा है और यहाँ बिहार जब करवट लिया है तो देश की राजनीति बदली है और बिहार करवट अब ले रहा है। पिछले 8 वर्षों से जब से सत्ता में आई है महंगाई और बेरोजगारी कभी भी इतनी नहीं थी और दुख की बात यह है कि यह सरकार इसको स्वीकारने को भी तैयार नहीं है और इसको कम करने को भी कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। अब आप देखिए, महंगाई ऐसी चीज है कि कोई भी व्यक्ति हो, सामान्य हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, रईस हो, अधिकांश रईस हो, उससे बिना प्रभावित हुए रह ही नहीं सकता। और ये सरकार तो जो महंगाई और जो बेरोजगारी है इस सरकार का क्रिएशन है। हम दो और हमारे दो के नाम से सरकार जानी जाती है। हम दो दिल्ली में राज कर रहे हैं और उनके दो जो हैं वो एक महंगाई है और एक बेरोजगारी है। उन दोनों की देन है महंगाई बेरोजगारी और वो दो लोग इसको नियंत्रित करने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो सरकार दूध पे, दही पे, घी पे, मक्खन पे, आटे पे, रोटी पे, कपड़ा पे जबरदस्त टैक्स लगा दे तो आप समझिए कि ये गरीब का सबसे जो तबका गरीब का होता है उसके ऊपर कितना बड़ा प्रहार है। आप अगर अस्पताल में भी भर्ती हैं और आपने बेड ले लिया है, क्योंकि जनरल बेड बहुत जगह नहीं मिलता तो आदमी किसी तरह से करता, मेरे परिवार के जन का जान बचे, कोई भी बेड मिले दे दो भैया, और उस पर आप GST लगा दोगे। शिक्षा, कितने कम पैसे में हमारे स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IIT, IIM इन सबों में पढ़ाई होती थी। आजकल फीस का रेट देख लीजिए, आप समान छू रहे हैं। गरीब आदमी तो सरकारी विद्यालय में पढ़ा ही नहीं सकता। ये गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करना है, जहाँ सब कुछ प्राइवेट। अभी 4 दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग उसी फील्ड के हैं जानते हैं, UGC ने सर्कुलर जारी कर दिया कि जो डिग्री नहीं प्राप्त किया है वो भी अब प्रोफेसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज। तो बेचारे गरीब माँ बाप अपने बेटे को किस मजबूरी में क्या क्या पेट काट के कैसे कैसे पैसे बचा करके, कभी कभी तो खेत बनने रखे, गहना गुड़िया बनने रख करके पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं कि मेरा बेटा किसी लायक अच्छी डिग्री ले लेगा तो आगे वो किसी अच्छे जगह पर जॉब करेगा, उसका सर ऊंचा करेगा अपने परिवार का, अपने गांव का। अब वो डिग्री लेके घर बैठे बिना डिग्री वाले को नौकरी लगेगी, ये तो अपमान है पढ़ने लिखने वाले मेहनत करने वालों का। तो ये जो सरकार है, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं हिंदुस्तान के लोगों की, ये अपने आप नहीं बढ़ रही है। अपने आप तब बढ़ती हैं जब बैंक कैपेसिटी बढ़ जाती है, तब एक महंगाई आती है।
दूसरी महंगाई आती है गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट की गई। इस सरकार ने तो रोटी कपड़ा मकान पे ही इतना जबरदस्त हमला कर दिया कि लोग इन तीन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लाले पड़ गए हैं। आप सब लोग सामान्य परिवार से आते हैं और आप सब लोग जनता के बीच में रहते हैं। आप खुद याद करिए, सीमेंट आज से एक साल पहले क्या भाव था, दूना दाम हो गया कि नहीं हो गया सीमेंट का 6-8 महीने के अंदर। जो सरिया 45 से 48, 55, 5200 रुपये क्विंटल थी, वो सरिया 8000 रुपये क्विंटल हो गया कि नहीं हो गया? क्यों हुआ है? इस सरकार ने जानबूझ करके ऐसा क्रिएशन किया है। मकान आप बनाने के लिए अब ऐसी स्थिति नहीं है कि जो मकान जब बनते थे जिस दाम में उसके अब दूने दाम में बनेगा तो कैसे कोई बना पाएगा? आमदनी बढ़ नहीं रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, महंगाई कम नहीं हो रही है, तो रोटी कपड़ा मकान पे सबके लाले दिलाने लग रहे हैं बीजेपी की सरकार। जो GDP है, गैस डीजल पेट्रोल, उसको आपने महंगा कर दिया। यातायात में आप देखें, बसों के भाड़े हर जगह बढ़ गए हैं, ट्रेन के भाड़े देख लीजिए, जहाज के भाड़े देख लीजिए, आप लोग मोटरसाइकिल स्कूटर कार से चलते हैं आप लोग भी देख लीजिए, 60 रुपये जब 120 रुपये पर डॉलर एक बैरल का क्रूड ऑयल हुआ करता था मनमोहन सिंह के समय, 60, 65, 66 के ऊपर पेट्रोल डीजल का दाम नहीं जाने दिया गया। आज 60, 65, 50 से लेकर के $80 पर बैरल है, तो लगभग 100 के आसपास पेट्रोल डीजल के दाम है। 8 सालों में 30 लाख करोड़ से ज़्यादा का सिर्फ पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगा करके मोदी जी ने कमाई की है, भारत सरकार ने कमाई की है। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा का हालत देख लीजिए, सब जगह कितनी महंगाई होती जा रही है। दवाइयां रोज रैकेट निकल सुनाई दे रहा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया कि किस तरह से दवाइयों के दाम बढ़ा करके बेचे गए, कितनी महंगी हो गई है पिछले 1-2-3 साल में दवाइयों के। हॉस्पिटल के रेट देख लीजिए, पैथोलॉजी के प्राइवेट रेट देख लीजिए, डॉक्टर और नर्सिंग होम के देख लीजिए, यहाँ तक कि छोड़िए अगर आप एडमिट हो रहे हैं, धन है मोदी जी कि अगर आप बीमार हैं एडमिट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से आदमी गरीब आदमी ला के दवा कराता है, तो आप अगर बेड पे हैं प्राइवेट बेड पे तो उस पे भी GST देनी है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।